हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना और किड्स लर्निंग फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फोर्थ क्लास की एक पोयम लेके आई हूं, जिसे हम पढ़ेंगे और साथ में हम बच्चों को भी समझाएंगे कि हमें पोयम को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से उसके अंदर से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखनी है और किस तरीके से हमें अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए। तो हमारी जो पोयम है वो NCERT यानी कि फोर्थ क्लास की NCERT की बुक है, उसमें से हमारी जो पोयम है उसका नाम है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है उठ जाओ। वेकअप वेकअप, तो कौन बोल रहा है? मम्मा बोल रही है। किससे बोल रही है? बच्चों से। वेकअप वेकअप, उठ जाओ उठ जाओ। इट्स अ लवली डे। कौन बोल रहा है? मम्मा बोल रही है। किससे बोल रही है? बच्चों से। वेकअप वेकअप, उठ जाओ उठ जाओ। इट्स अ लवली डे, यानी कि इट्स अ लवली डे मीन्स यह दिन बहुत ही प्यारा है। ओ प्लीज गेट अप। ओ प्लीज, कौन कह रहा है ओ प्लीज? मम्मा बोल रही है। किसको बोल रही है? बेबी को कह रही है। ओ प्लीज बेटा, उठ जाओ ना। बच्चा जो है ना, वो उठने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मम्मा क्या कह रही है? एंड कम एंड प्ले, उठ जाओ उठ जाओ, आओ और खेलो। यानी कि मम्मा ये किस लिए बोल रही है? ताकि बच्चा जो है ना वो फटाफट से उठ जाए। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स माने चिड़िया। सिंगिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? सिंगिंग माने गाना गाना, और ट्रीज होते हैं पेड़। तो द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। तो मम्मा जो है वो बच्चों से कह रही है कि जो बर्ड्स हैं यानी कि जो पक्षी हैं वो सिंगिंग कर रहे हैं। सिंगिंग का मतलब क्या है? कि क्या वो गाना गा रहे हैं? यस, गाना गाने से मतलब है जो पक्षी हैं जब चहचहाते हैं, जब ची 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 की आवाज़ें करते हैं, तो वो इतना सुनने में मधुर लगता है जैसे कि कोई गाना गा रहा हो। तो बर्ड्स कहाँ पे गाना गा रहे हैं? ट्रीज़ के अंदर बैठ कर के। ट्रीज़ के अंदर किधर बैठेंगे? ब्रांचेस में। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़। जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों की शाखाओं में अंदर छुप कर के गाना गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। बीज क्या होता है? मधुमक्खियाँ। तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो बजिंग कर रही हैं। तुम सुन सकते हो। क्या क्या सुन सकते हो? पक्षियों की चहचहाहट और मधुमक्खियों की भिन भिनाहट। बजिंग में, बजिंग का मतलब होता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो कैसे आवाज़ें निकालती हैं? आपने सुना होगा, इसी तरीके की आवाज़ें निकालती हैं। वेकअप वेकअप, उठ जाओ उठ जाओ। इट्स अ लवली डे, ये बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप। कौन बोल रहा है? मम्मा बोल रही है। कृपा करके बेटा उठ जाओ ना। मम्मा बोलती है ना बच्चों, प्लीज़ बेटा उठ जाओ, बहुत सुबह हो गई है। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। इट्स मच टू लेट, टू का मतलब होता है भी, लेट मतलब देर हो चुकी है, और टू का मतलब होता है को। इट्स मच, मच माने बहुत ज़्यादा, यानी कि लेट से भी ज़्यादा देर हो चुकी है, और तुम क्या कर रहे हो? लाई इन बेड, यानी कि बेड के ऊपर लेटे पड़े हो। सो हरी अप। सो हरी अप, हरी अप माने जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, तुम जो अपना सर को, अपने दिमाग को सुला के पड़े हो, बेटा प्लीज़ उठ जाओ। वॉश एंड ड्रेस, फटाफट से नहा लो, ब्रश कर लो और
सुंदर सी ड्रेस पहन लो एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट। एवरीवन का मतलब होता है सभी, यानी कि सारे के सारे। इज अप माने ऊपर, उठना, सब उठ चुके हैं। एंड अबाउट मतलब कौन कौन। द काओ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप। कौन कौन उठ चुका है? काओ माने गायें, दी हॉर्सेज माने घोड़े, द डक्स माने बतख एंड द शिप क्या होता है बच्चों? भेड़। और भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन मिलती है, जिससे हमारे जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, वो बनते हैं। और आपने तो वो पोएम पढ़ी होगी ना, बाबा बाबा ब्लैक शिप, तो बच्चों ये वही वाली शिप है। द टीनिएस्ट चिकन। चीप चीप चीप। चिकन क्या होता है बच्चों? चिकन होता है मुर्गी के बच्चे, जो छोटे छोटे होते हैं। चिकन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूजे। वेकअप वो भी चींची करने लगे हैं, अब तो उठ जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।